इस वीडियो में बात करेंगे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में, जिसको हम ADHD भी कहते हैं। सो बेसिकली ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है दैट कैन अफेक्ट बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। एंड सेकेंडली हाइपर एक्टिविटी या फिर हमारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसपे जिसके बारे में ये डिजीज़ जो है वो हमें बताती है, दैट कैन इम्पेक्ट आवर डेली लाइफ, डेली फंक्शनिंग। और ऐसी क्या होती हैं हम एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, इजीली आप समझ आएंगे। जैसे कि लेट्स सपोज कि एक चाइल्ड है और उसको ADHD प्रॉब्लम है, एंड ही इज़ जस्ट फेसिंग सो मच स्ट्रगल टू कंप्लीट हिज होमवर्क असाइनमेंट्स। व्हाई? बिकॉज ही इज़ गेटिंग इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर थिंग्स। ठीक है, कि उसका फोकस नहीं हो पा रहा, उसकी अटेंशन जो है वो नहीं गेन हो रही। ठीक है, वो उस चीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा। व्हाई? बिकॉज ही इज़ गेटिंग डिस्ट्रैक्ट, कोई और चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होता जा रहा है। इसके अलावा क्या होता है कि जो ADHD के प्रॉब्लम होता है उसमें एक इंसान जो है वो फिज़िकली जो है वो भी फिट नहीं हो रहा होता। फिज़िकली भी उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें फील करना पड़ती हैं। जैसे कि चाइल्ड है, अगर वो इस डिज़ीज़ से सफ़र कर रहा है तो वो बेसिकली हाइपर एक्टिविटी कर रहा होगा। ठीक है, इट मीन्स दैट कि उसका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है, उसकी फिज़िकली एक्टिविटीज़ जो हैं वही ऐसी हो रही हैं कि अगर वो एक चाइल्ड जो है उसको कहीं बिठा दिया जाए तो वो एक जगह पे बैठ नहीं सकेगा, और क्वाइट तो बिल्कुल भी नहीं। तो इट मीन्स दैट ही वुड मूव कॉन्स्टेंटली, और अपनी कोई ना कोई चीज़ जो है वो जो है उसमें इन्वॉल्व अपने आप को रखेगा, बिकॉज ही इज़ हाइपर एक्टिव। इसके अलावा जो है काफ़ी चीज़ें हैं, यानी कि आप देखो कि क्लास में अक्सर टीचर जो है वो क्वेश्चन कर रहा होगा तो बच्चे जो हैं हाइपर एक्टिव एक्टिव होंगे, कि उन्होंने क्या करना है कि ना तो वो किसी की टर्न आने देंगे, कोई क्वेश्चन कर रहा है टीचर क्वेश्चन कर रहा है, टीचर के क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले ही वो आंसर देना शुरू कर देंगे। एंड दे डोंट नो एंड दे डोंट बॉदर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस दे वुड फेस। हो सकता है उनका क्वेश्चन रॉन्ग भी हो, सॉरी उनका आंसर रॉन्ग भी हो, लेकिन बट यही चीज़ है कि दे विल बी हाइपर एक्टिव। तो ये बेसिकली एक डिज़ीज़ है साइकोलॉजी में, एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट था। इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।